जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में आप जय श्री महाकाल लिखें, जो भी आपके इष्ट देवता उनका नाम आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब अच्छा होगा। अब सब कैसे अच्छा होगा? मन में तो कई सारी भ्रांतियाँ हैं, कई सारी चीज़ें चल रही हैं, और कई बार गलत ख्याल भी आते हैं, और तमाम चीज़ों से हम जूझ रहे हैं और जीवन को जी रहे हैं। हम सबसे पहले तो हैं कि मूलभूत जो आवश्यकता है उन पर फोकस करें। इसके अलावा अन्य चीज़, क्योंकि लोग अतिरिक्त में ही परेशान हो जाते हैं। सामान्य स्थिति जीवन की, सामान्य तरीके से जीवन को सामान्य जीना है हमें। दो, इस जीवन की मूलभूत आवश्यकता है पेट का पालन, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पे ही हमारा फोकस होना चाहिए। ये बात बहुत गंभीर है, सुनने में थोड़ी अलग सी लग रही है, लेकिन ये बहुत सरल बात है कि हमें पहले हमारे मूलभूत जो जीवन जीने के सिद्धांत हैं या जीवन जीने के लिए आवश्यकता, उन पर ध्यान देना है। अब इसके बाद दूसरी बात है कि हमें बिल्कुल नेगेटिव किसी भी विषय पर नहीं सोचना है। हम क्या होता है, छोटे से विषय को लेकर, किसी भी विषय को लेकर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और बस जहाँ नेगेटिव सोचना शुरू हुए कि वो नेगेटिव होते जाता है और होते जाता है, और अंत में पता लगता है कि उस नेगेटिविटी का हम कुछ शिकार हो गए। हमारा माइंड, सोच, क्षमता, सब कुछ बड़ी अलग सी हो गई। धीरे धीरे हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। तो ये चीज़ को बदलने के लिए अपना माइंड पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मकता इस जीवन की, हमारी, आप सभी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान है ना, वैसे सबसे पहले वह सकारात्मकता। आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, सकारात्मकता में विनम्रता होती है, माफ़ करना होता है, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। घमंड, गुरूर, क्रोध, ये तमाम चीज़ें जो नेगेटिविटी के होती हैं। तो सब अच्छा होगा उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पॉजिटिव माइंड सेटअप और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। उस पर आप फिलहाल काम करें। जो बातों में आपकी नेगेटिविटी, उसे हटाएं, उसमें क्या अच्छा है वही चीज पहले आप गौर करें। तो ये पहला पार्ट है जिसमें, ये पहली स्टेप है जिसको आपको कंटिन्यू 15 दिन 10 दिन इसको फॉलो करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि आप में क्या बदलाव आ रहा है, तब आप, मैं सेकंड पार्ट लैब के लिए लेके आऊंगा, उसमें पूरा आगे की स्टेप, क्योंकि धीरे धीरे छोटा छोटा अगर आप करेंगे तो बहुत दूर तक आप पहुंच पाएंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर अपना कमेंट्स में राय रखें, और इस चैनल को जरूर जब तक सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।